एससी में सुनवाई जारी, शिंदे गुट का पक्ष रखेंगे हरीश सालवे। मानसून सत्र के तीसरे दिन संसद में महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष का प्रदर्शन जारी, कांग्रेस के सांसद भी हुए शामिल। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1557 नए केस, महाराष्ट्र में 11.09% रहे मामले। केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल और कच्चे तेल के टैक्स में की कटौती, रिफाइनरी को होगा फायदा। उत्तराखंड में कल से बारिश जारी, लैंडस्लाइड की कई घटनाएं हुई, तो वहीं जिले में अलर्ट जारी, बारिश से स्कूल रहेंगे बंद। पीएम मोदी कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लेने जा रहे भारतीय खिलाड़ियों से करेंगे सीधी बातचीत। ईडी ने फिल्म प्रोड्यूसर प्रेरणा अरोड़ा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस किया दर्ज। कॉमनवेल्थ गेम्स के वेटलिफ्टिंग इवेंट के इतिहास में भारत 3 बार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला बना देश, ओवरऑल कहा जाए तो वह दूसरा सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाला बना देश। आईटीआर फाइलिंग, इनकम टैक्स विभाग ने टैक्स पेयर्स को दिलाई याद, 31 जुलाई आईटीआर भरने की है अंतिम तारीख। आपको बता दें कि इनकम टैक्स पोर्टल पर बढ़ेगा दबाव। और एशियाई खेलों के लिए नई तारीखों का ऐलान, अब 2023 से 23 सितंबर में 8 अक्टूबर तक होगा आयोजन। कोरोना वायरस की वजह से इस साल नहीं होगा किसी भी एशियन गेम का आयोजन।